वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें टक ऐप। मुजफ्फरपुर के स्टेडियम में बिहार सरकार का हेलीकॉप्टर पिछले 6 महीने से इंजन खराब होने की वजह से खड़ा है, लेकिन बिहार सरकार ने इस हेलीकॉप्टर को ठीक कराने और ठीक से रखरखाव के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पिछले दिनों बिहार तक ने इस हेलीकॉप्टर की रिपोर्ट को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे और किन किन परिस्थितियों में पुलिस वाले और दमकल कर्मी इसकी निगरानी में तैनात हैं। लेकिन 6 महीने बाद अचानक बिहार सरकार की नींद टूटी है और हेलीकॉप्टर के इंजीनियर आए और हेलीकॉप्टर के पार्ट पुर्जा खोलकर ट्रेलर से पटना ले जाने की तैयारी करने लगे। कहा जा रहा है कि खराब हेलीकॉप्टर को ठीक करके दोबारा उड़ाया जाएगा। सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर राम विनय शर्मा ने बिहार तक को धन्यवाद दिया है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए पटना ले जाया जा रहा है। खबर जो है वो बहुत अच्छी थी और यहाँ से प्रक्रिया जाने की हो गई है, खोल खाल हो रहा है, ट्रक से जाएगी लोड होकर, यही तो है। खुशी है? जी हाँ, खुशी है। साथ ही हेलीकॉप्टर के टेक्नीशियन ने कहा कि बहुत जल्द ही हेलीकॉप्टर उड़ने के लायक हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के पंडित नेहरू स्टेडियम में पिछले कई एक महीने से पड़ा हुआ बिहार सरकार का यह चौपर आज जाने की तैयारी कर रही है। पटना की टीम आई हुई है, टेक्नीशियन आए हुए हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं किस तरह से इसे ले जाएंगे यहाँ से। सर, हम इसके पहले अभी तो ब्लेड सारे उतारेंगे, स्टेबलाइजर खोलेंगे एंड वी विल ट्राई टू टेक दिस हेलीकॉप्टर सेफली, बिकॉज कल को हमको उड़ाना भी है इसको, एयरक्राफ्ट को, इसको कोई हमें कंडम तो करना नहीं है, तो सेफ्टी इज़ फर्स्ट। दूसरे, इस एयरक्राफ्ट को अभी भी अगर वो हमको इंजन दे देते, एक 6 महीने से पड़ा हुआ है एयरक्राफ्ट, और पिछले 6 महीने में हम लोगों ने सिंगल इंजन पे इस एयरक्राफ्ट को हर हफ्ते आके ग्राउंड रन दिया है, एंड द क्रेडिट गोज़ टू द कंपनी, एक्चुअली आर्यन कंपनी एंड माई टेक्निकल टीम। अदरवाइज ये तो एयरक्राफ्ट ख़त्म हो गया था सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस में, आप देखें ना, मई जून जुलाई अगस्त हैवी रेन, किस तरह इसको सेव किया है। चंद चीज़ें टूटी हैं, इसका एक एंटीना टूट गया है, यहाँ की पब्लिक ने किसी ने भी तोड़ा है, एक दो चीज़ें और हैं जो डैमेज हुई हैं, अदरवाइज सब कुछ सेफ है। फिलहाल बिहार तक की खबर दिखाने के कारण सरकार की नींद टूटी और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।